चाहता हूं कि हमारे कई लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि इनमें से खैर कई कई तो खैर मैं इतना जानता नहीं हूं, लेकिन मुझे एक के ऊपर सबसे ज्यादा अफसोस है। वो मेरा बहुत पुराना हमारी पार्टी के जिसने बड़ी जान मारी आमिर कियानी की, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ उसके जाने का। लेकिन इनके ऊपर बहुत प्रेशर है और हर कोई प्रेशर नहीं ले सकता। तो ये मेरे या मैं अपने लोगों को भी कहता हूं कि उनको कोई बुरा भला ना कहे। जिस तरह का प्रेशर पड़ा हुआ है आज इस मुल्क की तारीख में, कभी लोगों के ऊपर ऐसा पॉलिटिशियन पे प्रेशर नहीं पड़ा। पकड़ के लोगों को जेलों में डाल रहे हैं, फैमिलीज घरों में घुस रहे हैं, औरतें हैं, फैमिलीज औरतें हैं वहां, उनको औरतों को साथ उठा के शेरियार अफरीदी और उसकी बीवी ले गए जेल में। ये कभी हुआ है पाकिस्तान में कभी कि किसी उमर उस्मान डार के घर में घुस के सारा घर तोड़ दिया और उसकी वालदा से जो उन्होंने किया, ये कभी इस मुल्क की तारीख में हुआ है? जो औरतों को जो सीन्स आई हैं औरतों के कि बाल पकड़ रहे हैं, जिस तरह उनको घसीट रहे हैं, ये ना इस मुल्क में हुआ है और ना ये हमारी हमारा जो रवायतें हैं, जो हमारा दीन है, ये कोई इसकी चीज की इजाजत नहीं देता। और इस सब चीज के अंदर क्या चीज रह गई है कि जो लोग ये प्रेशर बर्दाश्त कर गए, मैं अपनी पार्टी के वो लोग जो प्रेशर बर्दाश्त कर गए, कौम आपको हमेशा याद रखेगी, कौम आपको भूलेगी नहीं। कि मुझे पता है आपके ऊपर किस तरह के प्रेशर्स हैं और जिस तरह आप खड़े हैं, तो ना मैं आपको भूलूंगा ना ये कौम आपको भूलेगी। और मुझे ये भी मैं वाजे कर दूं, क्योंकि ये इस तरह का प्रेशर शायद ही कभी किसी की पार्टी के लीडर के ऊपर या उसकी पार्टी के मेंबर्स के ऊपर डाला हो, जो जो इस वक्त हमारे ऊपर पूरा प्रेशर डाला जा रहा है। मैं सिर्फ एक चीज वाजे करना चाहता हूं कि अगर मैं अकेला भी रह गया ना, अकेला, मैं तब भी हकीकी आजादी के लिए इस मुल्क के लिए खड़ा रहूंगा। क्योंकि ये कोई गलत फहमी में ना रहे कि इस प्रेशर की वजह से मैं शायद पीछे हट जाऊंगा। जिसके ऊपर दो कातलाना हमले हो चुके हों, दूसरा जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेरे ऊपर इन्होंने पूरा कत्ल करने का प्लान बनाया हुआ था, जिसके ऊपर दो हमले हो चुके हों और वो फिर भी पूरी तरह इस अपनी तहरीक के अंदर एक कदम पीछे ना हटे, तो उसको ये समझ आए कि वो पीछे नहीं हटेगा। और जो मैं फिर से कहता हूं कि जो आज मेरे साथ खड़े रह गए हैं, मैं तो अपनी बात नहीं करता, ये कौम आपको याद रखेगी, क्योंकि कौम को भी पता आप किस तरह के प्रेशर ले रहे हैं। और फिर